नमस्कार सत श्री अकाल, क्या हाल चाल मेरे भाई मेरे बंधु। विकेट प्लेयर फिर से आ गया आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर। जी हाँ, ये नया वीडियो एक बहुत ही बड़ा खुलासा आपके लिए मैं लेके आया हूँ खास आज ही अपने चैनल पे। तो आगे देखते रहिए क्या आने वाला है। अभी तक आप सबको जैसे कि पता होगा हेयरलूम, जी हाँ हेयरलूम, जो एपेक्स लेजेंड में बहुत ही बेहतरीन चीज़ मानी जाती है। ये माना जाता है कि 500 में से एक बंदे को वो मिलता है। लेकिन ये हेयरलूम होता क्या है? हेयरलूम एक ऐसी वस्तु होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती रहती है और जो बहुत ही वैल्यूएबल होती है। तो एपेक्स लेजेंड में उसकी क्या वैल्यूएबिलिटी है? पहली चीज़ कि एक बहुत रेयर है। दूसरी चीज़, इसको मेले वेपन की तरह यूज़ किया जाता है। जी हाँ, फेंक के मार सकते हो आप। रेत के पास है, ब्लड हाउंड के पास है, ऑक्टेन के पास है। जी हाँ, अभी नए खुलासे के अकॉर्डिंगली ये पता लगा है कि ये आने वाला है अपने मिराज भैया के पास। जी हाँ, मिराज जो कि आज की डेट में इतना ताबड़तोड़ बन चुका है जिसे हम खेलते खेलते थकते नहीं हैं। नाउ यू सी मी, नाउ यू डोंट। तो मिराज जो है मेरा फेवरेट आज की डेट में लेजेंड है। तो उसके लिए इतना एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है मुझे? क्योंकि वो हेयरलूम क्या है ये अभी तक खुलासा एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाया है। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि हेयरलूम दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली, एक स्टैचू हो सकता है। स्टैचू कैसे? ये देखिए आपके सामने स्टैचू। दो डेटा माइनर ने पता लगाया, आई लूट और शगल ने। शगल का ट्वीट भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। शगल के ट्वीट आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके ट्वीट से हमें ये पता लगता है कि ये जो है एयरलूम, इसका नाम है स्टैच्यू। जी हाँ, एयरलूम नेम में आप देखेंगे ये लिखा है यहाँ पे स्टैच्यू। तो क्या वो स्टैच्यू एक्चुअली में स्टैच्यू होगा या कुछ और डिसगाइज में नाम यूज़ कर रहे हैं? बहुत से अच्छे अच्छे थिंकर्स, बहुत से अच्छे अच्छे एपेक्स को फॉलो करने वाले लोग ये मानते हैं कि ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि वो जो है एयरलूम वो एक पॉर्कचॉप हो सकता है। जी हाँ, जैसे कि आप, जी हाँ आपने ये बिल्कुल सही सुना, जैसे कि हमारे मिराज को ये कहना बहुत पसंद है, वैसे ही हम ये जान सकते हैं कि वो पॉर्कचॉप। पॉर्कचॉप का एक्चुअली फील देखें तो वो उसके कैरेक्टर से, उसकी स्टाइल से, उसकी गूफीनेस से बहुत मैच खाता है। सोचो एक पॉर्कचॉप, पॉर्कचॉप क्या होता है? एक मीट का टुकड़ा है बेसिकली, वो जो लोगों को खाना बहुत पसंद है। पॉर्क सुअर का मीट होता है, चॉप उसका एक पार्ट होता है। तो ये और ज़्यादा तफ्तीश में ना बताते हुए हम आपको ये बताना ही चाहेंगे कि पॉर्कचॉप जो है वो मिराज का फेवरेट है और अटकलें ये लगाई जा रही कि वो भी एक एयरलूम हो सकता है। जैसा कि आपके सामने ये तस्वीर है, बहुत साफ आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा दिख सकता है मिराज के हाथ में। अब क्या होने वाला है क्या नहीं, हम कुछ पक्का कह नहीं सकते, लेकिन मार्केट में जो न्यूज़ है वो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। आपको ये न्यूज़ कैसे लगी लाइक करके मुझे बताएं, डिसलाइक करके भी मुझे बता सकते हैं, कमेंट में मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो आपका मन हो, जो आपके दिल में बात हो, आप खुल के कहें। और अगर ज़्यादा ही पसंद आ गई मेरी बात तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। ये था 2 मिनट डेली डोज। मैं आपको कल मिलूँगा। गुड नाइट।